बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 47 न्यूज और मैं हूँ हिना नासर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एमपीए मिर्जा जावेद, एमएनए मोहसिन रांझा, चेयरमैन हबीब अब्बास सेठ, आबद चेयरमैन सियालकोट, खुर्रम शहबाज खान शहजाद की जिरे क्यादत मदीना मुनव्वरा में इन्होंने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जल्द रिहाई और सेहत याबी के लिए खसूसी दुआ करवाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग कारकुनान और दीगर लोगों ने भी शिरकत की। दुआ का बुनियादी मकसद शरीफ खानदान की मौजूदा दरपेशी सियासी मुश्किल में आसानी और नवाज शरीफ की जल्द रिहाई और सेहत याबी है। खैबर डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा के बाकी शहरों की तरह पेशावर के कासम अली खान मस्जिद के इमाम पोपलजई के ऐलान के साथ बाकी कबायली इलाकों की तरह खैबर में भी ईद उल फितर मनाई गई। खैबर की तहसील जमरूद के मशहूर टेडी बाजार क्रिकेट ग्राउंड में ईदगाह में कारी यूसुफ की इमामत में ईद उल फितर की नमाज अदा की गयी, जिसमे हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। नौशहर विरका में कुरियालो रोड थाना वाला चौक से हैदरी चौक तक ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। नजायज तजावजात की भरमार, पैदल गुजरने वाली अवाम भी खुवार होने लगी। अवामी हलकों का नजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा, ट्रैफिक को बाकायदा कंट्रोल करने का मुतालबा और मुतलका महकमा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें ताकि ट्रैफिक ब्लॉक से शहरियों की मुश्किल को कम किया जा सके। चिन्योट में थाना रजोया पुलिस की मंशास फोशों के खिलाफ कार्रवाई। एसएचओ रजोया इंस्पेक्टर जफर अली खान ने मोहम्मद अफजल ताबिश, एसआई शबीर कमर, एएसआई और दीगर मुलाजिमीन के हमरा कार्रवाई की। चार बैनलिस लाई मंशास स्मगलर्स गिरफ्तार, 10 किलो चरस बरामद की गई। मुलजिमान ने मंशात चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। मुलजिमान ने मंशात कार के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा रखी थी। डीपीओ चिन्योट मोहम्मद अनवर खितरान ने कहा कि मंशियात मुआशरती नासूर चिन्योट से मंशियात का खात्मा अवालीन तरजीह है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहें 47 न्यूज। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर।